राहु और गुरु की दूरी बढ़ने से कमजोर पड़ने लगा है गुरु चांडाल दोष। अब मिलेगी मुश्किलों से मुक्ति और देव गुरु बृहस्पति होते जाएंगे पावरफुल। कुछ राशियों की जिंदगी में आएगी बहार, खुल जाएंगे तरक्की के रास्ते। 30 अक्टूबर तक पूरी तरह खत्म हो जाएगा गुरु चांडाल दोष। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। ज्योतिष चर्चा के इस कार्यक्रम में मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी और मेरे Facebook पेज एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की इस पोस्ट में मैं अपने दर्शकों के लिए ये जानकारी लेकर आया हूँ कि गुरु चंडाल दोष लगातार कमजोर पड़ने लगा है, क्योंकि ब्रह्मांड में यानी ज्योतिष की दुनिया में चल रहे ग्रहों के खेल में अब देवगुरु बृहस्पति और राहु की दूरियां बढ़ती जा रही हैं, यानी दोनों ग्रहों का फासला बढ़ता जा रहा है और इस वजह से देवगुरु बृहस्पति लगातार अपनी पावर में लौट रहे हैं और राहु के जो दुष्प्रभाव हैं, बुरे प्रभाव हैं, अशुभ प्रभाव हैं, वो कम होने लगे हैं और आने वाले दिनों में और भी कम होते जाएंगे। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि बृहस्पति को हमारे नवग्रहों में देवगुरु कहा जाता है, राहु को राक्षस कहा जाता है यानी दैत्य कहा जाता है, चंडाल कहा जाता है, मायावी ग्रह कहा जाता है, तिलस्मी ग्रह कहा जाता है, पापी ग्रह कहा जाता है। और जब देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु का कम्बिनेशन बन जाता है तो ज्योतिष में इसे गुरु चंडाल दोष कहते हैं, यानी गुरु के साथ चंडाल बैठ गया है और गुरु को चंडाल का दोष लग गया है। राहु पिछले साल से मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि में आ गए थे और इससे इन दोनों का कम्बिनेशन बना और गुरु चंडाल दोष बन गया। ज्योतिष में गुरु चंडाल दोष को बहुत ही विनाशकारी दोष माना जाता है और इससे जीवन में कई तरह की परेशानियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। बहुत से ज्योतिर्विद तो गुरु चंडाल दोष को कालसर्प दोष से भी ज़्यादा घातक मानते हैं, खतरनाक मानते हैं। कुंडली में जब ये योग बनता है तो उस व्यक्ति का जीवन कई बार संकटों से घिर जाता है और इस योग का जो बुरा प्रभाव है वो व्यक्ति के रेपुटेशन पर पड़ता है, कैरियर पर पड़ता है और उसकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, पारिवारिक सुख शांति पर पड़ता है, व्यक्ति के मान सम्मान में कमी आने लगती है, बिजनेस में अचानक घाटा होने लगता है, व्यक्ति गलत संगत में पड़ जाता है, जुए और नशे की लत लग जाती है, कई तरह की मानसिक परेशानियां घेरने लगती हैं। आप यूं भी कह सकते हैं कि गुरु चंडाल दोष जीवन में कई तरह की मुश्किलें लेकर आता है, लेकिन अब राहत मिलने वाली है क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति बन रही है और जो ग्रहों की डिग्री है उसके मुताबिक अब राहु लगातार देवगुरु बृहस्पति से दूर जा रहे हैं, यानी बृहस्पति की राहु से दूरी बढ़ रही है और इस बढ़ रही दूरी की वजह से गुरु चंडाल दोष का प्रभाव भी लगातार कम होने लगा है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि गुरु चंडाल दोष तो पूरी तरह 30 अक्टूबर को खत्म होगा जब राहु राशि परिवर्तन करके मेष राशि से मीन राशि में चले जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति का जो डंका है वो मेष राशि में बजने लगेगा और देवगुरु बृहस्पति राहु के शिकंजे से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन अभी भी लगातार गुरु चंडाल दोष का प्रभाव कम होता जाएगा। इस समय गुरु की डिग्री 20-22 के आसपास है जबकि राहु 3 डिग्री के आसपास हैं, यानी राहु का प्रभाव लगातार कम हो रहा है, दोनों का फासला बढ़ रहा है, इससे गुरु चंडाल दोष लगातार मध्यम कमजोर पड़ने लगा है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि देवगुरु बृहस्पति हमारे इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह हैं। ये कैसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन में तरक्की के रास्ते खोलते हैं। इन्हें ज्ञान का, कर्म का, धन का, पुत्र का, विवाह का कारक माना जाता है, इन्हें अध्यात्म का कारक माना जाता है, इन्हें दार्शनिक का दर्जा दिया गया है और जिस व्यक्ति पर ये प्रसन्न होते हैं उसे जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहती, समाज में खूब यश और मान मिलता है। और राहु की बात करें तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये शैडो ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, मायावी ग्रह हैं। अब गुरु चंडाल दोष लगातार कमजोर पड़ रहा है तो जिन राशियों को इसका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है उनका जिक्र मैं आपके बीच करने जा रहा हूं, इसलिए इस पोस्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा। ऐसी पहली भाग्यशाली राशि मेष राशि है। इस राशि में देवगुरु बृहस्पति नवम भाव के स्वामी है जिसे भाग्य स्थान कहा जाता है। मेष राशि वालों को अब किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। मेष राशि के लोग अपने कैरियर में एक नई उड़ान भर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं का मौका मिल सकता है, विदेश में स्थायी रूप से बसने का मौका भी मिल सकता है, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे,
कैरियर और कारोबार में अच्छा खासा मुनाफा होगा, आप सेविंग करने में कामयाब रहेंगे, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन पहले से बेहतर होती जाएगी, कार्यक्षेत्र में प्रमोशन के योग बनेंगे और जो बिजनेसमैन है उन्हें भी काफ़ी फायदा होने की उम्मीद है, जो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उन्हें भी काफ़ी फायदा होगा। और दूसरी भाग्यशाली राशि मिथुन राशि है। मिथुन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति सातवें और दसवें भाव के स्वामी होते हैं, इसलिए गुरु चंडाल दोष का प्रभाव कम होते जाने से आपकी इनकम बढ़ने की संभावना है, कार्यक्षेत्र में आपका मान सम्मान और दबदबा बढ़ेगा, अचानक आपको धन लाभ होगा, आप अपने जीवन में कुछ लग्जरी चीज़ों की खरीदारी करेंगे और कोई नई प्रॉपर्टी भी आप खरीद सकते हैं। तीसरी राशि चंद्रमा की कर्क राशि है। कर्क राशि के लोगों को कैरियर में पद प्रतिष्ठा में काफ़ी लाभ होगा, मेहनत करने वालों को खूब सराहना मिल सकती है, बिजनेस में लाभ के संकेत हैं, लव लाइफ पहले से बेहतर होगी, अटके हुए काम बनेंगे, विवाह योग या कोई संतान है तो अच्छे रिश्ते आएंगे, विदेश जाने के लिए कोई फाइल लगाई है तो अच्छी खबर मिल सकती है। चौथी भाग्यशाली राशि कन्या राशि है। कन्या राशि वालों को धन लाभ होगा, जॉब में प्रमोशन होगा, सभी चीज़ों के अच्छे परिणाम आएंगे, नई जॉब का ऑफर आ सकता है, जहाँ का पैकेज आपकी उम्मीद से दुगना होगा, रुका हुआ धन वापस मिलेगा, जिस काम में हाथ डालेंगे वहाँ सफलता लगेगी, लंबे समय से चली आ रही कोई मनोकामना पूरी होगी, किस्मत का साथ मिलेगा, वाहन खरीदने के योग भी बनेंगे। पांचवी भाग्यशाली राशि तुला राशि है। तुला राशि वालों के जीवन के अधूरे कार्यों को पूरा करने का ये शानदार मौका रहेगा, जो बिजनेसमैन है उन्हें मुनाफा कमाने की बहुत ज़्यादा संभावना बनेगी, जो नौकरी पेशा है उनकी नौकरी में आ रही परेशानियाँ खत्म होती जाएंगी और तुला राशि वालों को जिन कामों में अभी तक असफलता मिल रही थी उसमें अब सफलता मिलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और कई नई जगह पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। छठी भाग्यशाली राशि कुंभ राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे, पैसा आएगा और कैरियर के संबंध में आप यात्राएं करेंगे और आपको नौकरी के नए मौके मिलेंगे, आर्थिक स्थिति बेटर होगी, कई तरह से आपको आय प्राप्त होगी। तो ये था गुरु चंडाल दोष, अब लगातार कम पड़ता जा रहा है और जब ये गुरु चंडाल दोष कम पड़ रहा है तो जो राशियां इससे लाभान्वित होंगी उसके बारे में मैंने आपको बताया आज की पोस्ट में। बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे एस्ट्रोलॉजी के पेज से और मेरे एस्ट्रोलॉजी के चैनल से जुड़े रहिए। मैं गुरमीत बेदी।